इस सेशन में हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेस में डेटा टाइप्स। इसके लिए मैं सबसे पहले एमएस एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ। एमएस एक्सेस में मैंने जो डेटा बेस ओपन किया हुआ है ये वही लास्ट डेटा बेस है जो हमने लास्ट क्लास में या लास्ट सेशन में हमने क्रिएट किया था, जिसमें आप लोगों ने कुछ डेटा टाइप पढ़े हुए थे। शॉर्ट टैक्स, लॉन्ग टैक्स, नंबर्स, डेटा टाइप, करेंसी, ऑर्डर नंबर, यस नो, ऑब्जेक्ट और रिकॉग्निशन। आज के सेक्शन में हम पढ़ेंगे इसमें जो नेक्स्ट डेटा टाइप्स है, जो बचे हुए डेटा टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक अदर टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टैब पर जाकर डिजाइन टेबल्स का ऑप्शन क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैं डेटा एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस सॉफ्टवेयर को पढ़ी हुई है एक्सेस वगैरह पे। स्टूडेंट्स के लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर, मैं एक स्टूडेंट्स का डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ तो हम लोगों ने पहले भी क्रिएट किया हुआ है। जैसे मैं एक स्टूडेंट के लिए एम्प्लॉई नंबर रखा हूँ, जिसका डेटा टाइप मैंने ऑफिस नंबर रखा, एक रखा हुआ मैंने वही शॉर्ट टेक्स्ट में आएगा, इस टाइप के डेटाबेस हम लोगों ने एक्सेल में भी क्रिएट करा था। अब यहाँ पे मुझे जो मैंने कॉलम लिए हुए हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश, इन सबका टोटल के लिए एक कॉलम अलग से क्रिएट करूँ टोटल नाम से, जिसका डेटा टाइप सिलेक्ट कीजिएगा कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड एमएस एक्सेस में यूज होने वाला एक ऐसा डेटा टाइप या एक ऐसा फीचर है जिसका यूज करके हम बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे कि हम लोगों ने एक्सेल में भी करा था, टोटल एवरेज वगैरह परफॉर्म करना। तो टोटल्स के लिए यहाँ पर मुझे निकालना है जैसे टोटल है, तो टोटल्स के लिए क्या करना होगा, उनका मुझे हिंदी प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश इन चीजों को प्लस कराना है ना। इसके अलावा मैं इनका एक फील्ड और चाहिए, मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज में कैलकुलेटर पे लिखे हो सकता है और एवरेज निकालने का सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो भी आपका टोटल आ रहा है टोटल को नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज निकल आता है। तो यहाँ पर भी मैंने वही करा है, टोटल को डिवाइड किया हुआ है नंबर ऑफ सब्जेक्ट से 1, 2, 3, तो उसे मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। ओके, इसे कंट्रोल डब्ल्यू से मैंने सेव किया। यस, और टेबल का नाम मार्कशीट प्राइमरी डिफाइन, अब मैं इसे मार्कशीट को ओपन कर रहा हूँ। एम्प्लॉय नंबर, इसमें डेटा टाइप ऑर्डर नंबर है तो डेटा फिल होगा नहीं, ऑटोमेटिकली होगा। इसमें नेक्स्ट दे रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पर मुझे टोटल करने की आवश्यकता नहीं हो रही है, सिर्फ मैं वैल्यूज फिलअप कर रहा हूँ और टोटल ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। ये सिर्फ होगा इस बेसिस पर जो आपने डेटा टाइप ले रखा था कैलकुलेटर, और देखिए आपका एवरेज भी ऑटोमेटिकली निकल रहा होगा। ये है हमारा कैलकुलेटर डेटा बेस। नेक्स्ट डेटा टाइप के लिए मैं इसे
मैक्सिमम टेबल्स का यूज करूँगा, तो इस पर अपडेट करने के लिए या इसी को चेंज करने के लिए, इसी में एडिटिंग करने के लिए इस पर राइट क्लिक करें, डिजाइन पर जाइए। जैसे कि हम लोग एडमिशन के टाइम पर या किसी भी स्कूल कॉलेजेस में या ऑफिस में हम डेटाबेस वगैरह क्रिएट करते हैं, तो हम लोग एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, तो उस एप्लीकेशन वगैरह या फिर कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो कि मुझे डेटाबेस में जोड़ के रखना है या अटैच करके रखना है, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करके रखते हैं जो भी एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं, तो उसके लिए एक इसी में स्टूडेंट्स के लिए एक फील्ड बना रखी जैसे डॉक्यूमेंट्स करके, तो डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड होते हैं जैसे स्टूडेंट के एडमिशन के टाइम पे, तो यहाँ पर एक डेटा टाइप यूज कीजिएगा अटैचमेंट और एक लिया हुआ मैंने एप्लीकेशन जो स्टूडेंट ने रिटर्न में दिया, उसके लिए लिया हुआ मैंने हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है ये हम लोगों ने प्रीवियस सॉफ्टवेयर को भी पढ़े हुए हैं। हाइपरलिंक यानी कि एक ऐसा बेस, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के बेसिस पर, पर्टिकुलर बेसिस के बेसिस पर दो फाइल्स को आपस में लिंक करके रखता है, उसका हम यूज करेंगे। मैंने इसे सेव किया ओपन। अब देखिए जो आपने अटैचमेंट दिया होगा, तो अटैचमेंट का जो फील्ड है उसमें अटैचमेंट तो नहीं लिखा है डॉक्यूमेंट वगैरह, लेकिन उसका सिंबल सा है, तो इस पर डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, मैनेज अटैचमेंट्स, ऐड, और यहाँ से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके टेक्स हैं, जो भी आपके स्टैंडिंग्स, ऐसी कोई चीज़ जो कि आप अटैच करके रखना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करके दिखा रहा हूँ, ये देखो जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेलेक्ट करे हुए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं और ओके, तो जितने भी आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन का मीनिंग जो है कि ऐसी कोई चीज़ जो स्टूडेंट्स ने या एम्प्लॉइज ने दिया हो उसे मैं अटैच करके चाहता हूँ, जैसे कि स्टूडेंट एडमिशन के टाइम पर एप्लीकेशन वगैरह रिटर्न में देते हैं या एम्प्लॉइज का रिज्यूम्स वगैरह होता है, तो मुझे इस डेटाबेस को उसे लिंक करके रखने के लिए इस पर आप राइट क्लिक कीजिए, हाइपरलिंक पे जाइए और यहाँ से मिलेगा आपको एडिट हाइपरलिंक। फिर से मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, एप्लीकेशन वाले फील्ड पर जहाँ पर कि आपने डेटा टाइप हाइपरलिंक दिया हो आप उस पर राइट क्लिक कीजिए, हाइपरलिंक जाइए, बोलेगा एडिट हाइपरलिंक और यहाँ से उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ पर, जिसे आप यहाँ पर अटैच करके रखना चाहते हैं। जैसे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है डेस्कटॉप पर, एडमिशन एप्लीकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मैंने आपका डॉक्यूमेंट अटैच किया हुआ उस पर लिंक बना हुआ था। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट टाइम पर, वो जो भी फाइल है यहाँ पर वो आप सामने तो मुझे डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हैं लेकिन एप्लीकेशन अटैच करके रखी थी क्योंकि आपके सामने डिस्प्ले होगा। ये होते हैं हमारे पास डेटा टाइप्स जो एक्सेस के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं।